दोस्तों, यदि अपने ड्राइविंग लाइसेंस में आप कोई भी सुधार करना चाहते हैं, जैसे कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते समय आपका पता गलत हो गया था, आपका नाम गलत हो गया था, डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई थी, या आपके नाम की स्पेलिंग गलत हो गई थी, कुछ भी गलत हो गया, तो आप उसमें कैसे सुधार कर सकते हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ। और अभी भारत सरकार ने एक काम स्टार्ट किया कि आधार कार्ड को ड्राइविंग लाइसेंस DL में जोड़ना अनिवार्य कर दिया। तो आप कैसे ड्राइविंग लाइसेंस में अपना आधार कार्ड जोड़ सकते हैं, वो भी मैं बताने वाला हूँ। और अपना मोबाइल नंबर यदि आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस में जोड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि मोबाइल नंबर जोड़ने के बहुत बड़े फायदे हैं, आप सभी को पता है, अगर आपका मोबाइल नंबर जुड़ा होता है तो ऑनलाइन जो भी प्रोसीजर होता है बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो घर बैठे। तो ये भी पूरा मैं ऑनलाइन बताऊंगा, पता कैसे चेंज करना है, नाम कैसे चेंज करना है, डेट ऑफ बर्थ कैसे चेंज करना है, मोबाइल नंबर कैसे जोड़ना है, आधार कार्ड कैसे जोड़ना है, पूरा ऑनलाइन आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ घर बैठे सारी चीजें आप कर पाएंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में लगातार। मैं हूं वहन झागड़ और आप देख रहे हैं अपना चैनल दोस्तों हेल्प इन हिंदी। अगर आपने अभी तक दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें, इस रेड कलर के बटन पर क्लिक करके। यदि आप मोबाइल फोन पर देख रहे हैं तो वहां भी एक रेड कलर का बटन आता है और उसको आप सब्सक्राइब कर लें। और आपसे करूंगा एक गुजारिश, यदि आप अपने घर का नक्शा बनवाना चाह रहे हैं, जैसे आपने कोई प्लॉट खरीदा है 20x40 का या 40x50 का, तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक चैनल है न्यू टेक नाम का, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप डायरेक्टली इस चैनल पर आकर होम पेज पर यहाँ से जैसे आएंगे यहाँ पर एक देखिए 20x40 या 20x40 का हाउस प्लान विद कार पार्किंग, तो बहुत सारे नक्शे इस चैनल पर पड़े हैं। अगर आप कोई भी प्लॉट बनवाना चाह रहे हैं तो इस चैनल पर जरूर विजिट करें और इसको भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलो आज के टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि आपको हाउ टू चेंज एड्रेस और नेम और डेट ऑफ बर्थ ऑनलाइन इन ड्राइविंग लाइसेंस और लिंक मोबाइल नंबर DL, हाउ टू लिंक मोबाइल नंबर DL और हाउ टू लिंक आधार कार्ड DL। यदि आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस में कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो ये बहुत सारी डिटेल दी आप इसको पढ़ सकते हैं। और यदि अपना आप ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन बनवाना चाह रहे हैं, अभी तक आपने बनवाया नहीं, तो उसके लिए भी मैंने पहले से आर्टिकल लिख रखा, वीडियो बना रखा, हाउ टू अप्लाई ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। जैसा कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार ने देश के कई राज्यों में हजारों ड्राइविंग परमिट के कंप्यूटरीकरण को सक्षम बनाया है। इसने न केवल ऑनलाइन लाइसेंस आवेदन सक्षम किया है, बल्कि लाइसेंस नवीनीकरण और अन्य संबंधी चीजों के बीच डुप्लीकेट लाइसेंस का लाभ भी आप यहां पर उठा सकते हैं। यदि आपका लाइसेंस खो गया तो उसके लिए अलग प्रोसेस ऑफ चेंज क्या है, तो सबसे पहले आपको परिवहन मंत्रालय की वेबसाइट पर जाना होगा। अब आप लेफ्ट साइड में देखेंगे ड्राइविंग लाइसेंस का एक ऑप्शन आ रहा होगा जिस पर आपको क्लिक करना है। इसके ड्रॉप डाउन मेनू खुल जाएगा और आपके परिवहन ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस पर क्लिक करना है। तो चलो मैं वेबसाइट पर पहुंचता हूं। सबसे पहले परिवहन मंत्रालय की वेबसाइट ऑफिशियल, उस पर मैं जा रहा हूं। जैसे आप यहां पर आ जाते हो, देखिएगा सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है अपना स्टेट, किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। तो जिस स्टेट से बिलोंग करते हो आप सिलेक्ट कर ले, मैं उत्तर प्रदेश से हूं तो उत्तर प्रदेश सिलेक्ट किया। अब इस पेज पर आप आ जाते हैं। जैसे आप यहां पर आएंगे तो आपको अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना होगा और इसके बाद जैसे आप आएंगे आप सर्विस ऑन ड्राइविंग लाइसेंस, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहां क्लिक करेंगे तो आपसे बताया जाता है यहां पर 5 स्टेप हैं, फिल एप्लीकेशन रिक्वेस्ट, अपलोड डॉक्यूमेंट्स, अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, DL टेस्टिंग। तो कुल मिलाकर पूर्ण अपना करेक्शन करना और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद फी पेमेंट करके आपको सारी चीजें मिल जाती है। आप ये सर्विसेज यहां पा सकते हो, बहुत सारी सर्विसेज हैं, रिन्यूअल ऑफ DL, इश्यू ऑफ डुप्लीकेट DL, बहुत सारी सर्विसेज आप पा सकते हो। तो फिर से आपको अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है, तो चलो और कंटिन्यू। अब आपको सबसे DL नंबर यहां डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है और इसके बाद आपका प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अपना DL डालने के बाद, डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद, मैंने ये हाइड कर रखा है दोस्तों। इसके बाद आपको ये सिलेक्ट UR, इसको आप लीव कर सकते हो, छोड़ सकते हो। सबमिट रिक्वेस्ट स्टेट आपको फिर से सिलेक्ट करना। अब अपना RTO सिलेक्ट करने, आपका RTO कौन सा पड़ता है, और प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। प्लीज सिलेक्ट RTO नेम, ओके, इस पर ओके करना आपको। डेटा रिट्रीव फ्रॉम द NR डेटाबेस पोर्टल डेटा, प्लीज ओके। तो देखिए पूरा डिटेल आपका यहां पर आ जाता है, मैंने सारी चीजें हाइड कर रखी हैं, फोटो आपका आ जाएगा और ड्राइविंग लाइसेंस नंबर आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ आ जाता है। अब आपको आ जाना है अपने नीचे, देखिए सबसे पहले आधार कार्ड नंबर आपसे अगर ऐड करना चाह रहे हैं आधार कार्ड, तो अपना यहां पर आधार कार्ड डाल दें। अगर मोबाइल नंबर अपडेट करना चाह रहे हैं तो मोबाइल नंबर भी डाल दें, आधार एप्लीकेशन नंबर भी डाल सकते हैं यदि आप। इसके बाद पर्सनल डिटेल, रिलेशन विद, ये सब कुछ दिया होगा। और यदि आप अपना एड्रेस चेंज करना चाह रहे हैं तो एक बार आपको यहां पर एड्रेस सिलेक्ट करना पड़ेगा, ये नीचे
एंटर द एड्रेस एज अवेलेबल ऑन द एग्जिस्टिंग डीएल। तो आपको एक बार सिलेक्ट है लेकिन फिर भी सिलेक्ट करना पड़ेगा, और अगर आपका परमानेंट और ये दोनों सेम है तो आप सेम पर क्लिक करके कंटिन्यू कर देना है। तो चलो मैं डिटेल भर लेता हूँ। आपको याद ये रखना है कि जो भी रेड कलर से निशान लगा है इसको भरना बहुत ही जरूरी है। तो अपना आप ब्लड ग्रुप भी ऊपर भर लें, और सर एड्रेस भरने के बाद सेम एज परमानेंट एड्रेस पर बस आपको कन्फर्म कर देना है। ओके, अब यहाँ पर आप क्या चेंज, यदि आप केवल मोबाइल नंबर अगर यहाँ पर ऐड करें तो नहीं होगा, क्योंकि आपको एक चीज़ मैंडेटरी है। अगर आप प्रोसीड पर देखिए क्लिक करता हूँ तो बोलता है प्लीज सिलेक्ट एट लीस्ट वन। तो अगर आप केवल मोबाइल नंबर जोड़ना चाहते हैं तो अभी यहाँ पर कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है। इसके साथ आपको एक चीज़ और चेंज करनी पड़ेगी, सपोज दैट चेंज ऑफ एड्रेस इन डीएल, जो भी आप करना चाहें वो यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे मैं करना चाह रहा हूँ चेंज ऑफ नेम इन डीएल, तो ओके और बस प्रोसीड। ड्राइविंग लाइसेंस नंबर ये सब कुछ आपका यहाँ पर आ जाता है। सबसे पहले आपको चेंज नेम इन डीएल, इंडिकेट डिलीशन ऑफ सर्विस, सबसे पहले रीजन आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले अपना रीजन क्यों सिलेक्ट करना चाहते हैं, न्यू नेम जो आप सही कराना चाहते हो फर्स्ट और मिडिल, ठीक है, और रिलेशन में आपका सही है सब कुछ डाल देना है, और बस आपको कंफर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे आप कंफर्म करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। सबसे पहले आई हैवली डिक्लेयर दैट टू द बेस्ट ऑफ माई, आपको चेक मार्क मार देना है, चेक मार्क, और आपको कैप्चा डाल देना है। ये आपके सामने पूरा एक्नॉलेजमेंट स्लिप आ जाता है, आप देख सकते हो एसएमएस भेज दिया गया सब कुछ, एक्नॉलेजमेंट नंबर, आप इसको प्रिंट करके रख लेना है आपको, और इसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। जैसे हम नेक्स्ट करते हैं देखिए आप पूरा डिटेल आ जाता है ये सारी चीज़ें, ठीक है। देखिए यहाँ पर सर्विस ऑन डीएल कंप्लीटेड है, अपलोड ऑफ डॉक्यूमेंट्स अभी टू बी डन बाई एप्लीकेंट, ये सब हो चुका है। आपको सिर्फ नीचे देखिएगा आप, ये यहाँ पर पेंडिंग दिखा रहा है, चेंज ऑफ डीएल इन अपलोड डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग दिखा रहा है, और अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर पेंडिंग, फी पेमेंट पेंडिंग, डीएल पेंडिंग। तो बस आपको कर देना प्रोसीड पर क्लिक। अब आप अपना जो भी नेम मतलब बदलाना चाहते हो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा, प्रूफ ऑफ नेम चेंज, ठीक है, न्यूज़पेपर एफिडेविट या ड्राइविंग लाइसेंस, दो चीज़ें आपको डालनी पड़ेंगी, प्रूफ ऑफ नेम और ड्राइविंग लाइसेंस आपका जो पहले वाला है। तो सबसे पहले आप प्रूफ ऑफ नेम में डाल दें क्या डालना चाह रहे हैं, प्रूफ ऑफ नेम, ठीक है, ये आप डालने के बाद ब्राउज करके अपलोड करना है, और ड्राइविंग लाइसेंस पुराना, चलो दोनों चीज़ें मैं डाल देता हूँ। अब आपके सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद यहाँ पे लिखा है मिलेगा ऑल डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड सक्सेसफुली। डॉक्यूमेंट्स आपको 300 केबी से कम ही अपलोड करने हैं, जेपीईजी या जेपीजी या पीडीएफ फॉर्मेट में। अपलोड करने के बाद देखिए यहाँ टिक मार्क लग गया है शेप्ड शेप्ड, अब आपको कर देना नेक्स्ट। तो और सिग्नेचर भी यहां पर अपलोड कर देना है, फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको कर देना सेव फोटो एंड सिग्नेचर इमेज फाइल। देखिए ये आपका फोटो सिग्नेचर ऐसा दिखने वाला है, इंसर्टेड सक्सेसफुली, आपको नेक्स्ट ओके। अब आपको करना है फी पेमेंट, ओके, तो यहां से अब आगे बस आपको देखिए यहां फी पेमेंट करने के बाद आपको प्रोसीड, यू आर रिडायरेक्टिंग, यहां पर आ गए आप, आपको बैंक सेलेक्ट कर लेना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहां पर कैप्चा डाल देना है। पे नाउ या पे लेटर आप कर सकते हो, तो
यहाँ से दोस्तों आप 400 रुपये फीस पे करके आप सारी चीज़ें चेंज करवा सकते हो, जैसा कि मैंने बताया आपको। आपको यहाँ पर पूरा ड्राइविंग लाइसेंस फिर से जैसा कि आप बनवाते हैं वैसा ही ऑप्शन आ जाता है। आपको यहाँ 400 रुपये फीस पेमेंट करनी पड़ेगी। तो मेरा, मैंने सिर्फ आपको बनाना दिखाने के लिए बनाया था, मेरा सब कुछ ही सही है, बट मैंने सोचा आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूँ करेक्शन कैसे करना होता है ऑनलाइन स्टेप बाय स्टेप। सिंपल सा प्रोसीजर है, फॉर्म भरते रहिए और डॉक्यूमेंट्स जो भी करेक्शन करना उसके अकॉर्डिंग आपको वही डॉक्यूमेंट्स लगाना पड़ता है। सपोज दैट अगर नाम बदलवाना चाह रहे हैं तो नेम आपका प्रूफ क्या है, नेम प्रूफ क्या है, डेट ऑफ बर्थ अगर बदलवाना चाह रहे हैं तो डेट ऑफ बर्थ प्रूफ क्या है, और या अगर एड्रेस बदलवाना चाह रहे हैं तो एड्रेस, करंट एड्रेस आपका क्या है उसका प्रूफ आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ता है, और पुराना वाला ड्राइविंग लाइसेंस का स्कैन कॉपी भी आपको अपलोड करना है। तो ये पूरा डिटेल था जो मैंने आपको बताया। अगर दोस्तों आपको अगर कोई फिर भी प्रॉब्लम है, अगर आप चाह रहे हैं कि मैं कोई और भी वीडियो बनाऊँ इस पर, तो मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपकी वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और आपको ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस वेबसाइट पर लगातार विजिट करते हैं, इसका लिंक है, मैं यहाँ पर सब कुछ एड्रेस मैंने दिखा दिया आपको स्टेप बाय स्टेप करके कैसे क्या करना है। तो प्लीज़ इस वेबसाइट पर भी विजिट करें, और अगर आपने चैनल तक अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब